माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी तूफान और बारिश से जो किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है, उसका उत्तर प्रदेश सरकार भेदभाव के आधार पर क्षति का आकलन कर रही है, जो किसानों के साथ अन्याय है। और यही नहीं, जिन जिलों में क्षति का आकलन किया जा रहा है, उन जिलों के गाँव से केवल 10-12 किसानों के अलावा बाकी किसानों को छोड़ दे रही है, जिससे किसान अपने नुकसान को देखकर आत्महत्या कर रहे हैं। वो अपने खेत पर जाते हैं और नुकसान देकर उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। मऊ जिले में इस तरह की 50 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस किसान प्रधान देश में किसानों के साथ अन्याय कर रही है, नहीं मालूम क्यों। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के मुआवजे पूर्ण रूप में सभी किसानों को दिया जाए जिन जिन की इस आपदा में क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी पैसा केंद्र से जाता है, जिस मद के लिए जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार उसी मद में पैसा खर्च करे। मेरा केंद्र सरकार से यह मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो भेजे गए पैसों का खर्च का ब्यौरा, इस तरह का दुरुपयोग होता रहेगा तो जैसे किसान इस समय उत्तर प्रदेश में अपना सही मुआवजा पाने से वंचित हो रहा है, जिसका उदाहरण पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले का 75% आकलन व उससे सटे हुए मऊ जिले में 20-25% का आकलन दिखाया जा रहा है। वहां के सांसद माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी हैं और वहां के उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके सुपुत्र हैं, जबकि दोनों जिलों में बराबर नुकसान हुआ है, मगर नाम किसी के नहीं जाएंगे। इस रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण तरीके से अधिकारियों में भेजी जा रहे हैं। सर एक मिनट, हो गया, आप अपनी डिमांड रखो तो हो गया। अच्छा ठीक है, उठाया जो जा रहा है। अराजकत्वों ने मेरा पुतला फूका और मेरे गाड़ी पर पत्थरबाजी की, जानलेवा हमला कर मेरे ही खिलाफ FIR दर्ज कराई, जबकि मेरे सहयोगी द्वारा मेरे गाड़ी पर पत्थरबाजी जानलेवा हमला करने के संबंध में FIR दर्ज करने की तहरीर दी है। जिला पुलिस प्रशासन इसे FIR करने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सिर्फ राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है। मानव जी, धन्यवाद।